अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों ड्राइविंग लाइसेंस पे बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। तो अभी ऐसा था कि जब ये सख्ती होगी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने रश बना दिया खिदमत सेंटर पे और जो है पुलिस सेंटर जहाँ से लर्नर और लाइसेंस वगैरह बनते हैं, तो उधर बहुत ज़्यादा रश होता था। उस रश को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के लोगों के लिए एक आसानी पैदा की है, एक ऐप बना दी है जिसमें से आप कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो लाइसेंस के सिर्फ लर्नर जो हैं, वो आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल की ऐप या लैपटॉप से आप जो है ना उसकी वेबसाइट खोल के उसको बना सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि आप लोगों को जो अलखिदमत सेंटर या आप पुलिस जो उनका फ्रंट डेस्क था जिस पे जाके आप लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर सारा दिन ज़ाया करके आप एक लर्नर परमिट लेते थे, वो अब जो है वो आपकी अपनी पहुंच में आ गया, जिसमें आप ये होगा कि आपका जो लर्नर है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आप वो कुछ डाटा फीड करके और उसकी जो पेमेंट है वो जैज कैश बैंकिंग वाली जो ऐप है मोबाइल ऐप उससे जो आप उसको पे कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका लर्नर लाइसेंस होगा वो आप उसको PDF में सेव करके उसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं उसका। तो मैंने सोचा कि अभी ये नई नई चीज़ आई है, बहुत सारे लोगों को हमारे भाइयों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, तो उनकी गाइडलाइन के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं कल ही वीडियो बनाता, लेकिन कल कुछ वेबसाइट में कुछ इशू आ रहे थे जिसकी वजह से ये वेबसाइट चल नहीं रही थी, और मैंने कोशिश की एक दो बनाने की लेकिन नहीं बन सकी, और फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इसलिए क्योंकि जब तक ये सही तरह से लॉन्च नहीं हो जाती और एक अच्छे तरीके से इसका मतलब ब्रीफ नहीं कर सकता मैं, उस वक्त तक लोगों को गाइडलाइन अच्छे तरीके से नहीं मिल सकती। तो अब जो जब ये चलना सही से शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें लोगों को गाइडलाइन मिलेगी, ताकि लोग बजाय इसके कि वो किसी से पूछते फिरें कि भाई हमें ये कैसे बनाना है हमें बता दो, तो ये वो खुद ही अपनी YouTube से सर्च करें और उनको ये सारा डाटा मिल जाए और वो जो है ये अपनी ऐप जो है उसके ज़रिए से और वेबसाइट के ज़रिए से मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए से वो अपना लर्नर जो बना सकते हैं। जो लर्नर सिर्फ मैं फिर दोबारा से बताता जाऊँ, इसमें सिर्फ लर्नर बन सकता है, ये आप जो है लाइसेंस वाला जो है वो आपका प्रोसेस बाद में होगा, ये 42 डेज हैं उसके बाद जो है ना वो आपका लाइसेंस बनेगा। ये सिर्फ आपका लर्नर परमिट होगा जिसमें आप कमर्शियल नॉन कमर्शियल जितनी भी जो गाड़ियां हैं उनके लर्नर परमिट आप ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको जो है जल्द से जल्द इस वीडियो को जो है ना बना के आपके मतलब दूँ आपको, ताकि आप इससे गाइडलाइन ले सकें। तो अभी ये है कि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये इसको मोबाइल पे ही बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास लैपटॉप नहीं है, वो परेशान ना हो जाएं कि हम लैपटॉप के बगैर मोबाइल पे कैसे बनाएंगे, तो मोबाइल से ही मैं सारा प्रोसेस करूँगा और उसी में से ही आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, ताकि आप मोबाइल के थ्रू ही इसको कर सकें। तो चलते मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि ये मेरा एक चैनल है जमजम सर्विसेज, इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर दें मुझे और बेल आइकन को बटन को दबा दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, हम और मज़ीद वीडियो बनाते रहें आप लोगों की गाइडलाइन के लिए। तो आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपने DLIMS सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसको ओके करना है, उसका इंटरफेस आ जाएगा वेबसाइट का जिसमें रजिस्टर का लिखा हुआ आएगा और उसमें कुछ डाटा है वो आपने उसमें लिखना है। तो उसमें आपने वैलिड चीज़ें लिखनी है सारी, अपना नाम ID कार्ड वगैरह और जो फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें लिखनी है, और उसमें आप सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आप उसका कैप्चा फिल करेंगे और उसको रजिस्टर का बटन दबा देंगे। अगर तो ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ तो फिर आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जो नए है यूज़र जिनके पास ऑलरेडी इसका अकाउंट नहीं है तो वो रजिस्टर इसको करेंगे। तो उसमें फिर आपको जो आपकी ईमेल है उस पर आपको एक कोड आएगा जो आपको इसके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ, तो लॉगिन पे जाने के बाद मैं इसको जो इसके होम पेज है उस पर मैं चला जाऊँगा। तो आप लोगों ने ऐसे करना कि आप रजिस्टर करने के बाद फिर दोबारा लॉगिन को करना। ये देख होम पेज ओपन होने के बाद अभी ये मेरे पास तो, क्योंकि अभी मैं एक लर्नर बनाया था मैंने, तो वो अभी शो हो रहा है।
देख लेंगे आपके पास ये सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मुख्तलिफ डब्बे जो बने हैं उनमें से आपने लिखनी है आपकी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो है CNIC की, तो आपने सबसे पहले इसमें CNIC नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपका नाम है जो CNIC पे लिखा हो, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपके लर्नर पे प्रिंट हो जाएंगी सारी, तो आपने वो इस चीज़ का ध्यान करना है कि आपने गलती नहीं करनी है। उसके बाद है आपका जेंडर आ गया, उसमें आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर लें, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी हाइट आ गई, आपको सिटीजन टाइप हो गया है, इसमें मैनुअल गाड़ी है आपके पास या ऑटोमेटिक गाड़ी है वो आप देख लें। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ब्लड ग्रुप में आप अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी आ जाती है, अगर खुदा ना खासा किसी की है तो वो उसमें ज़रूर मेंशन करें, अगर नहीं है तो उसको नो जैसे है उसी को रहने दें। उसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप अपने मतलब पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब की लिस्ट है, आप उसमें से आपका जो भी है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है आपका तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो उसमें उसके बाद फिर आपका आ जाता है नीचे परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में फिर आप ऐसे करेंगे आप अपना जो भी है आईडी कार्ड पे बैक एड्रेस जो लिखा हुआ है वो आप उसको करेंगे सारा उसमें मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आप उसमें फिर ये करेंगे नीचे आप फिर कुछ ना लिखें, अगर आपका तो सेम परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो फिर आपको जो सेम एज अबव वाला जो है ब्लॉक है उसको आप टिक कर दें, 1 MB या 1 MB के से नीचे नीचे ही उसको फ़ोटो को अपलोड करें, तो आप इसको ओके करके सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपको वो उसके फिर होम पेज पे ले जाएगा, होम पेज पे वो आपका एक चलान टाइप जो ना एक लर्नर जो है ना आपका वो उसमें शो होना शुरू हो जाएगा, और जो आपका लर्नर होगा वो उस वक्त होगा अनपेड होगा, क्योंकि इसके बाद जब ये आपके पास अनपेड शो हो गया तो इसका इशू आ गया अभी कि आपने इसको पेड कैसे करना। तो पेड करने के लिए आप इसको आप अपने जैज कैश या उसके मोबाइल बैंकिंग जो ऐप है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो मैं इसको करूंगा जैज कैश के थ्रू। तो आप सबसे पहले ऐसे करें कि आप इसके अपने जैज कैश में आ जाए, जैज कैश को लॉगिन करें, जैज कैश को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको गवर्नमेंट पेमेंट वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के रिलेटेड आपको शो होने शुरू हो जाएंगे, तो आप उसके बाकी आप छोड़ दें उसको। जो GOPB वाली जो है ऑप्शन सबसे ऊपर वाली ऑप्शन तो उसको आप सिलेक्ट कर लें, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो 17 डिजिट का एक PSI ID मांगना शुरू कर देगा, वो वाला है जो आपके लर्नर के साथ PSID का एक ऑप्शन है उसके नीचे 17 डिजिट का एक लिखा हुआ है, तो आप उसमें वो इंटर करें। मैं तो अभी एक वैसे फर्जी सा इंटर करूंगा ताकि आपको ये बता सकूं, तो उसमें मैं ये 17 डिजिट का जो है एक PSID इंटर करता हूं। तो ये देखें ना मैंने अभी 17 से कम किया और जो मैंने देखा था वो नीचे से कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मैंने उसको 17 डिजिट उसके पूरे किए तो उसमें कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। तो कंटिन्यू के ऑप्शन आने के बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ ही आपका जो बैलेंस है वो उसमें से 60 रुपीज़ जो है वो चार्ज हो जाएंगे, और आपको जो उसका होम पेज है वेबसाइट का उस पर आपका प्रिंट वाला ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा और पेड वाला स्टेटस भी शो हो जाएगा और आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो जी नाज़रीन, आई होप कि आपको बहुत कुछ इसमें से समझ आ गया होगा, तो आप अब घर बैठे ही अपना जो लर्नर है ड्राइविंग का वो प्रिंट आउट कर सकते हैं, जो है अलकरमन सेंटर और जो पुलिस फ्रंट डेस्क की है, लंबी कतारों से बचकर उसको अपने टाइम को ज़ाया होने से बचा के आप जो है वो एक लर्नर हासिल कर सकते हैं और उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।